प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं विनय सर। हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी एक बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 या आप इस परीक्षा के चरण में आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्यों ना हम ऐसा शार्ट नोट बनाएं या इस तरह से पढ़ाई करें कि जल्दी हमारा जो सिलेबस है वो कवर कर। हम प्रयास करना चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है उसमें हम आपको मदद देना चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी कम समय में कितने अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ के कर सके। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़िए। हम प्रयास करेंगे कि आपको फर्स्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जो भी चैप्टर्स के हेडिंग्स की इम्पॉर्टेंट्स परिभाषाएं हैं वो हम आपको एक बेहतरीन ढंग से समझा सकें और आप अपनी तैयारी को जल्द से जल्द रिविजन कर सकें। तो कम समय में हम लोग ज़्यादा काम करने का प्रयास करें। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत आवेश, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। आवेश एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, वहीं प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और यदि धनावेशित वस्तु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और वहीं ऋणावेशित वस्तु है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। आवेश का क्वांटीकरण प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश के क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी जहां n आवेशों की संख्या, E आवेश की मात्रा। तो इस प्रकार Q बराबर होता है चाहे प्लस माइनस 1E, प्लस माइनस 2E, अब प्लस माइनस 3, या इसी को Q बराबर Ne। इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। वहीं यदि यही अल्फा कण है तो उसका आवेश प्लस 2E माना जाता है। वैद्युत आवेश की योजकता में अगर देखें तो किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय n अवयवी कणों को मिलाकर बना है तो निकाय पर कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn होता है। कूलाम का नियम समझते हैं। दो बिंदु आवेशों के लिए हम समझते हैं कूलाम का नियम। निर्वात हो या वायु हो तो उसमें स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का निर्धारण कूलाम के नियम द्वारा करते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुपातिक तथा उनके मध्य दूरी की r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ k जो है वो प्रोपोर्शनालिटी मतलब जिसे बोलते हैं अनुपातिक नियतांक, और k का मान 1/4 πε₀ या 9 × 10⁹ Q1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, और के अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, और ε₀ वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 × 10⁻¹² कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमी सूत्र m पे -1, l पे -3, t पर 4, a पर 2 होता है। यदि आवेशों के मध्य वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम स्थित है तो कूलाम बल का मान 1/4 πε₀ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ
एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है। यदि स्थिर आवेशों के मध्य स्थिर पदार्थ का परावैद्युतांक के है तो ई एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 × K होता है। तब एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सभी परावैद्युत के लिए K का मान 1 से अधिक होता है, वहीं धातु के लिए K का मान याद रखिएगा अनंत होता है। अगर सदिश रूप में बात करें तो F की वैल्यू वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R होता है। अब यहां देखते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल, अध्यारोपण सिद्धांत भी इसे कहते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है, किसी बिंदु पर आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात F इक्वल टू F1 + F2 + F3 + F4 डॉट डॉट डॉट। आगे देखते हैं आपका जो सिलेबस में अगला है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया था। उनके अनुसार वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र स्मूथ कर्व जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक आवेश चलता रहता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाएं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, और ये वैद्युत बल रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं और वक्र में भी हो सकती हैं। आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, ये यहां ध्यान रखिएगा, जो परीक्षण आवेश है वह एकांक धनावेश होता है। एकांक धनावेश मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता है। आगे समझते हैं कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मतलब अनुपात बोलते हैं, ये अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा F/Q0। कहीं Q0 भी पढ़ सकते हैं या Q0 भी, नॉट मतलब होता है नहीं और जीरो मतलब भी होता है नहीं, तो आप डिपेंड करता है आगे चल करके आप पढ़ना क्या चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो इसको Q0 भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और Q0 भी पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है एकांक धनावेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आइए आगे समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है और इसका मात्रक देखें तो न्यूटन प्रति कूलाम, और या आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे इसका मात्रक आएगा विभव प्रवणता, जब पढ़ेंगे तो इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और इसका बीमीय सूत्र MLT पर -3 पर -1 होता है। किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर QE, हम क्या करेंगे E बराबर F/Q में जब Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर QE हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर ऋणावेशित बल पर बल की दिशा ऋणावेशित पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता और धन आवेशित आवेश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में होता, मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं आवेशित कण पर, तो अगर वो बल फोर्स ऋणावेश पर लग रहा है तो वो जो वैद्युत क्षेत्र की वो दिशा होती है जो फोर्स आप लगा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को विपरीत होता है, और अगर आपने धनावेश पर लगाया है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। आइए आगे समझते हैं, किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। इसे सदिश रूप में क्या लिखते हैं, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2 इंटू यूनिट वेक्टर R। और एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q(x)/A² + X² की पावर 3/2।
जबकि यक्ष वलय के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहां तीव्रता हमें ज्ञात करनी होती है। यहाँ ए वलय की त्रिज्या होती है। वलय मतलब समझ गए होंगे, वलय जो होता है वो जैसे साइकिल का रिंग है, पहिया जो होता है उसको वलय भी कह सकते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की में दो या दो से अधिक आवेश स्थित हैं तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, तो आवेशों के कारण जो परिणामी तीव्रता होती है वो पृथक पृथक आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है, अर्थात E=E1+E2। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव में अगर देखा जाए तो आप देखे होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। निकाय का मतलब जैसे हम लोग मॉलिक्यूल्स देखते हैं केमिस्ट्री में, HCl है, H2O, HBr, NH3CH4 एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव बनता क्या? द्विध्रुव का मतलब होता है दो ध्रुव। दो ध्रुव का मतलब ध्रुव किसे कहते हैं, जैसे आप एक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को रखें और निगेटिव चार्ज, और ये जो क्या करते हैं समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार के निकाय। निकाय मतलब परिवार भी होता है, एक प्लस और एक माइनस। जैसे हम लोग परिवार बनाते हैं महिला और पुरुष का, तो वो परिवार बन जाता है। तो यहाँ एक निकाय है प्लस और माइनस का, जब ये नजदीक आ जाते हैं तो ऐसे निकाय को हम लोग आज वो बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगर केमिस्ट्री में देखें और या मॉलिक्यूल्स में देखें तो HCl इसका एग्जाम्पल हो सकता है, H2 हो सकता है, HBr, NH3CH4। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, आइए समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव आवेश Q और उनके मध्य की दूरी d है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = होता है Q(2D) या 2QD आ जाता है। यह एक सदिश राशि होता है और ये ध्यान रखेंगे इसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है, जो ऋण आवेश से धनावेश की ओर सदैव होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर या डीबाई भी कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, तथा इसकी इसका बीमी सूत्र LTA। वैद्युत द्विध्रुव को ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर यदि हम घुमा दें तो घुमाने में किया गया कार्य W = P1 - cos θ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा से थीटा कोण पर रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण (τ = P×E) या τ = P sin θ होता है। यहाँ P द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा E व P के मध्य कोण होता है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति U0 = -P, जबकि दिशा अक्ष E के समांतर है, और U0 = -P cos θ, जबकि दिशा E की दिशा से थीटा कोण पर होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तो होता है E = 1/4π0 2πr³ और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4π0 t/r³ न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4π0 t/r³√1+3cos²θ। दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य पारस्परिक बल F = 1/4π0 6P1P2r⁴, जहाँ P1 व P2 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें आशा है कि ये सारे चैप्टर्स को आप जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। हम आगे भी आपके लिए सारे चैप्टर्स के इसी तरह के वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को लाने वाले हैं, और ये जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं दिए गए शॉर्ट नोट हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या आप
चाहिए पीडीएफ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके लिए मैं किस प्रकार का वीडियो बनाऊं, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा से पहले हम वीडियो देने का 100% प्रयास करते हैं। धन्यवाद।